नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टूडेंट्स लाइफ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं रेलवे एग्जाम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जिसमें हम सब इतिहास से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप स्टूडेंट्स लाइफ के यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिए। पहला प्रश्न, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, उत्तर है 1857 की क्रांति में तटस्थ भूमिका निभाई। आपका अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था, उत्तर है नाना साहेब। आपका अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन था, उत्तर है तात्या टोपे। आपका अगला प्रश्न, अंग्रेजों के विरुद्ध कुंवर सिंह ने सिपाही विप्लव का नेतृत्व कहां से किया, उत्तर है आरा। आपका अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई, उत्तर है झांसी। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था, उत्तर है ग्वालियर। आपका अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1857 के आज़ादी की पहली लड़ाई में किसे महान विद्रोह करार दिया गया, उत्तर है वीर सावरकर। आपका अगला प्रश्न, अहमदुल्ला शाह जिन्हें आमतौर से फैजाबाद के मौलवी नाम से जाना जाता था, 1857 के विद्रोह में किस सिलसिले में जाने जाते हैं, उत्तर है उसने अंग्रेज शासन की समाप्ति की भविष्यवाणी की और अपने अनुयायियों को लड़ने को प्रेरित किया। आपका अगला प्रश्न, 1857 के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे, उत्तर है SN सेन। आपका अगला प्रश्न है, भारत पर शासन करने का ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार अंग्रेज सरकार को कब दिया गया, उत्तर है 1857 की बगावत के बाद 1858 में। आपका अगला प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल समाप्त हुआ तथा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के पास किस वर्ष चला गया, उत्तर है 1858 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे, उत्तर है दादा भाई नरौजी। आपका अगला प्रश्न, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था, उत्तर है दादा भाई नरौजी। आपका अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला पहला भारतीय कौन था, उत्तर है दादा भाई नरौजी। आपका अगला प्रश्न, दादा भाई नरौजी के अनुसार स्वराज का अर्थ है, उत्तर है स्वशासन। आपका अगला प्रश्न, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया, उत्तर है वीर सावरकर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने किस वर्ष के बाद उग्रवाद का रूप ग्रहण किया, उत्तर है 1905 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान प्रारंभ हुआ, उत्तर है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। आपका अगला प्रश्न, किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उत्तर है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय। आपका अगला प्रश्न, बंग भंग के समय गवर्नर जनरल
कौन था? उत्तर है लॉर्ड कर्जन। आपका अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? उत्तर है सलीमुल्ला एवं आगा खान। आपका अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? उत्तर है 1906 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न, 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? उत्तर है कराची में। आपका अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? उत्तर है 1909 में। आपका अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया? उत्तर है 1909 ईस्वी। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट लाइफ के इस वीडियो में बस इतना है। फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप किसी प्रकार का कमेंट या किसी प्रकार का बदलाव देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों को पास शेयर ज़रूर कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप स्टूडेंट्स लाइफ के यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।